आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वैसे तुम लोग को थंबनेल से पता चल गया कि मैंने क्या करा है, पर लेकिन तभी तुम लोग ये ब्लॉग देखोगे, ठीक है। यस, फाइनली सावन खत्म हो गया और मैं हेयर कट लेने के लिए जा रही हूँ। कल ही सावन खत्म हुआ और मैं आज ही हेयर कट लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं कब से वेट कर रही थी। जो स्नैपचैट पर है मेरे साथ, तुम्हें पता होगा कि मुझे हेयर कट बर्थडे से पहले लेना था, बट लेकिन मुझे पता नहीं था कि सावन शुरू हो जाएगा एंड देन सावन में हेयर कट नहीं लेते हैं। अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते करते देवा लाइक, तो सावन का भी क्यों वेट करिए खत्म होने का, तो करवा ले हेयर कट। फिर मैंने गूगल पे चेक करा, वैसे मैं करवा लेती गाइस, पर लेकिन मैंने गूगल पे भी चेक करा एंड देन गूगल पे भी यही था कि हाँ सावन में आप हेयर कट ना करवाएं तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए आई वॉज लाइक इतना कुछ एमरजेंसी भी नहीं है। बर्थडे पर सोचा था, बर्थडे भी चला गया, तो अब मैं वेट कर सकती हूँ, इतना पेशेंस है मेरे में। तो यस, फाइनली गाइज अभी मैं थोड़ी देर में रेडी होकर हेयर कट करवाने के लिए जाऊँगी। प्लस तुम लोग को पता है कि मेरे बाल कितने लंबे हैं और पहले भी कितने लंबे थे, और मैं हेयर कट करवाती रहती हूँ। और अगर तुम लोग को ये जानना होगा कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा, तो तुम कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। हाँ, मैं तुम लोग को बता दूंगी कि मैंने कैसे कन्विंस करा, स्पेशली गर्ल्स, बॉयज़ का तो क्या ही है। प्लस आई होप तुम लोग को मेरा हेयर कट अच्छा लगे, इवन दो आई होप कि मुझे भी अच्छा लगे, मैं और बच्ची ना लगूँ। मुझे पता है मैं हेयर कट छोटे छोटे बाल करवा लूँगी तो मैं और बच्ची लगूँगी, पर लेकिन गाइस आई एम जस्ट 21 यार, ठीक है। और अगर मैं और बड़ी हो जाऊंगी, लाइक अगर मैं 23 ईयर्स की होती या 24 की होती है, उन्होंने तब बोलती कि मुझे हेयर कट करवाना है, तो वो मुझे कभी भी अलाउ नहीं करते, इतना मुझे पता है, ठीक है। तो आई वॉज लाइक नहीं, अब मैं 21 की हूँ, मैं बड़ी होती जाऊँगी तब तो परमिशन नहीं मिलेगी, तो मैं क्यों ना अभी फ़ायदा उठा लूँ। तो यस, पापा मामा घर पर नहीं है, वो किसी रिलेटिव के घर पर फंक्शन है, वो वहाँ पर गए हैं, तो मैं अभी हेयर कट करवाने के लिए जाऊँगी। मैं तभी उस फंक्शन में नहीं गई बिकॉज मेरे को हेयर कट करवाने जाना था गाइस। अब मैं हेयर कट करवाने के लिए जाऊंगी, और जब तक मैं आऊंगी मुझे लगता है वो भी घर पे आ गए होंगे, या उसके बाद जब भी आएंगे तो उनका रिएक्शन भी लेंगे, और भी थोड़े बहुत जो भी मेरे क्लोज वंस हैं उनका रिएक्शन लेंगे, ताकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा बने, ना कि सिर्फ 5 मिनट का बने, क्योंकि तुम्हें तो पता है हेयर कट व्लॉग तो ये कितना ही लंबा बनेगा। बट यस और मैं व्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे यूट्यूब पर एक्टिव रहना है, इंस्टा पर तो मैं एक्टिव रहती हूँ, उस पर नहीं भी रहूँ तब भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट अब मैं यूट्यूब एक्टिव रहूँगी, ठीक है। वैसे एक्टिव अगर मैं नहीं हूँ तो उसमें मेरी भी गलती नहीं है, मेरे को व्लॉग एडिट करने का भी कोई आलस नहीं है, ठीक है, वो भी मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ। बट प्रॉब्लम स्टोरेज का है, इस वो मैंने पेन ड्राइव ली है, ठीक है, बट अब मैं ये सोच रही थी थोड़े दिन पहले कि वो मैंने पेन ड्राइव ली तो है, पर लेकिन मुझे चाहिए तो कोई चीज़ ना जिसमें स्टोरेज खाली हो, जिसमें मैं व्लॉग एडिट कर सकूँ, तो उसका भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, और मुझे बैटरी का भी कुछ करना पड़ेगा। पर लेकिन अभी तो मैं घर से बस थोड़ी सी दूर जा रही हूँ, तो अभी मुझे बैटरी का कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। तो मैं पूरा फुल ब्लॉग मिलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छा कंप्लीट सा होगा। तो यस गाइस, मुझे बस ये हो रहा है कि हेयर कट अच्छा लगना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए, पर हेयर कट अच्छा लगना चाहिए। अगर सोचो मैंने इतने इतने बात करवा ली और हेयर कट अच्छा ना लग रहा, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, पर ठीक है, हम रिस्क लेंगे। अब मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी, फिर तो मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ। 2000 years later. Really, हो चुकी हूँ गाइस, एंड यस ऑफ कोर्स आई एम गोना मिस माय लॉन्ग हेयर्स। ऐसी बात नहीं है, आई हेट लॉन्ग हेयर्स, नो वे गाइस, आई लव लॉन्ग हेयर्स। पर लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ मैं कभी भी शॉर्ट हेयर्स नहीं रखे, जैसे तुम देख सकते हो मेरे पूरे इंस्टाग्राम पे। जी क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। गाइस हम लोग स्टूडियो पहुंच चुके हैं और मेरे साथ है, हेलो गाइस, ये मेरी दोस्त है, मेरी पड़ोसन है, मेरी कजन है, सब कुछ है। अब हम अपने बालों का पहले दान करेंगे। मैंने रेडी किया था उसकी शादी के लिए। गाइस बस थोड़ी देर फिर तो मैं एक नई अवन से गाड़ी। गाइस अभी हेयर वॉश करवाएंगी, अभी आ चुकी हैं दूसरी हॉट सीट पे। अब होने वाला है काम, ये देखो गाइस। भाई कितने अच्छे लग रहे हैं आपके बाल, कटवाने हैं क्या आपने? यार मत कटाओ, इतने लंबे लंबे बाल, अगली बार से मैंने आपके बाल कटवाने ही नहीं, अगली बार से मेरे बाल भी। गाइस देखो भाई कितने सुंदर बाल हैं, ये लड़की पागल हो गई।
पता नहीं किसने बोल दी है, मेरा खुद का ही, मेरा ना बचपन में छोटे ही रहते थे, पर अब जब बड़ी हुई ना तब से लंबे लंबे ही देखा, खुद का ही मन है कि ये लास्ट है। किस कौन ज्यादा सुंदर है, ये या फिर वो स्टार्ट कर रहा था। चल डेज में पिंपल आता है हमको पूरे, अच्छा क्लियर है। मेरे ब्लॉग में कैप्चर है कि मैंने एक बार अपने सर्जर बाल बिल्कुल यहाँ पे कर्व कर्व आ रहा है ऐसे वेवी वेवी सा, और लास्ट में ऐसे सीधी वाली। काट ही दो इनके बाल, नहीं ऐसे सीधी वाली लेयर ज्यादा अच्छी लग रही है ना इससे, खुद बताओ। ये भी अच्छी लग रही है मेरे को तो, मतलब इतनी इतनी नहीं, ये देखो बहुत शॉर्ट हो चुकी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, नीचे वाला अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला अच्छा लग रहा है, नीचे में अगर बस इतना वाला बाउंस हो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। समझ गई मैं, हां बेबी कट लगेगा, हां थोड़ा बेबी कट वाली वैसी आएगी थोड़ी। तो पहले बोलते थे सीधी सीधी ऐसे कैंची मारती, नहीं मुझे पता नहीं था कि, पर नीचे से आपको देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहां वाला ऐसे वाला अच्छा लग रहा है, और ऐसे नीचे वाली ऐसी वेवी अंदर को, और ये वाली जो ऐसे साइड पे आ रही है। पिछली बार मैंने आगे से दो लेयर्स वाली था और एक नीचे वाली सीधी जा रही थी ना, तो सीधी वाली जब वो ड्रायर से हो तो वो बाउंस आए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे जैसे ये कर्व जैसे मुड़ रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, स्टार्टिंग के टू में वो अच्छा लगेगा और नीचे वाले में उसके बाद सिर्फ ट्रिमिंग ही अलाउड होगी। अब तो बॉब भी अच्छा लगेगा। मैंने उस पे इंस्टा पे डाला था ना कि गेस करो क्या करूंगी, सिर्फ यार अगर हेयर कट करवाना ना प्लीज बॉब कट करवाना, प्लीज मैं देखो पढ़ाऊंगी उस पे। क्या कसूर था जो आपने काट दिया, इतना फिल्मी मत बना। इमोशनल डैमेज ऐसा ना हो, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट हो। नहीं नहीं मेरे को अपना बॉडी गार्ड लेना मत भूलना। खुशी खुशी हो रही है आपको? दुख भी हो रहा है कि बड़े बाल चले गए, खुशी भी हो रही है कि नहीं बोलेंगे यार, उनके कॉम्प्लीमेंट का मुझे भेद है, दादी भी बोलेंगे भाई, दादी भी बोलेंगे। नार्सिसिस्टिक हैं ये, अपने आप को कब से कॉम्प्लीमेंट दी जा रही हैं। गाइस बाल कट चुके हैं आप ना, अगर आपको वीडियो बनानी हो तो इधर से बना लीजिए, कुछ बड़े अच्छे होते हैं। आपका सेंटर पार्ट इशू होती है,
अपने आप ही सेटल हो जाती है कुछ भी करूंगी तो। गाइस वो भी वीडियो बना रहे हैं। क्यों पता आगे लिखा कैमरा कैमरे को कुछ लगा हुआ था ना, मेरे को भी लग रहा था कि धुंधला थोड़ा। ठहरो अभी क्लियर आई है। चल थोड़ा सा आगे रख गया आपकी हाइट के मुताबिक, जैसे आप बच्चे बच्चे हो ना तो ये बच्चे वाले हेयर कट। जी कल स्कूल भी आना है उन्होंने एट क्लास में। हाँ सही है, एट क्लास के ही लग रहे हो मेरे को। अब जो आपने करना है ना अभी थोड़ा वो अच्छे से कर, ठीक है? ठीक है, और खुद अपने हाथों से अब ऐसे से करो, बालों को सेट करो आगे की तरफ ऐसे से धीरे धीरे छोड़। अब एक बार खड़े होकर यहाँ पर कर एक मिनट, अपने आपको ना मिरर में देख के अभी घूम जाओ, घूम जाओ, घूमो पूरा घूमना। अच्छा, जब घूमना नहीं नहीं जब घूमना फिर पूरा घूम जाना गौर से। हाँ हाँ बस ऐसे से करो आते से। थोड़ी मर्द मर्द वाली वाइफ हो आ रही है। ये क्या हो गया आपको? ये पहली बार इतने छोटे बाल हो गया मेरे। तो आपको वाइब नहीं आनी चाहिए, आपको वाइब क्यों आ रही है ऐसी? क्यूट वाली वाइब आ रही है, आप मर्द बोल रहे हो। देखने पहले भी पतले थे कि पहले मोटे थे? जब पहले आप ड्रेस वैसे पहन के आते थे, ड्रेस ही वैसे पहन के आए थे। हाँ अभी थोड़ी बॉडी कौन है ना तो उसकी वजह से ज्यादा पतली, पहले थोड़ी पतली थी। उसकी शादी हो गई, कैसे लगता है ऊपर? ऐसे नहीं उठाते ऐसे। मैं बताती हूँ कैसे, यहाँ से थोड़ा 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 अंदर अंदर फिंगर लिख के जाओ। अच्छा, फिर ऐसे करते, ठीक है? ये अच्छा लग रहा है। कुछ ऐसे रखने, कुछ ऐसे रखने, कुछ यहाँ से उठा के यहाँ पे क्लच कर लेना, ठीक है? डिलीट कर देना वो। अच्छा हाँ कोई नहीं, तो अवंतिका का नाम आधा नंबर हो गया इसमें दिख गया हुआ। पहुंच गई है बाहर। मुझे पता नहीं क्यों वैसे थोड़ी मर्द मर्द वाली फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? लेकिन मैंने बॉडी कॉन पहना है इसीलिए। नहीं भाई अच्छा लग रहे हो, नाइस नाइस। इस फाइनली हमारी कटिंग हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं जो इसने जैसे बोला। क्या ये देखिए किसी की स्कूटी में अपना मुंह देखती हुई अवंतिका शर्माल। अंकल भैया तो नहीं, अभी अंकल को तो लेना था मेन हस्ता। नहीं यार अंकल फिर यार वो होता है यार, अभी उन्होंने पोनी बना दी है कि घर में जाके ही खोलेंगे अपनी पोनी और सबको दिखाएंगी। पोनी भी अच्छी लग रही है वैसे। वही तो अच्छी लग रही है। गाइस अब सोनाडम को क्यूट स्टेशनरी लेनी है। बच्चे कैसे बच्चे हैं, ये पैसे वेस्ट करते हैं। यही है वो लड़की जिन्हें ये सब लेके खुशी हुई। मेरा नंबर भी है। ये है मेरी नानी, नानी बाल के दे रहा है। मेरी बाल दे रही है।
गाइस मैंने बोला था ना रानी मुझे बोलने के लिए मैं बांदरी लग रही हूँ, बांदरी मतलब मॉन्की लग रही है। कटाई हो रहा है ना थोड़े कार्टून दे मेरे। हां मैंने देखा है, मैंने नहीं कटाए। इंप्रेस करने के लिए गाइस नानी हमारा भी नानी को फेवरेट ले देना। अब हम आए हैं इनका रिएक्शन लेने और आप खोल सकते हैं अपनी आंखें। बाल दिख नहीं रहे पहले स्लो मो में लाइट। ओह माय गॉड हु इज दिस। आप से अच्छा रिएक्शन तो वो दे रहा है। झूठ बोल रही थी तो ये भी कटवाती ना आगे से थोड़ा। नहीं यार छोटा, वो माथा छोटा है ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। कितनी क्यूट लग रही है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो गाइस? बेस्ट रिएक्शन। मुझे लग रहा है मैं उसको पहचान भी नहीं आ रही कि मैं कौन हूँ। ओह माय गॉड मास्टर बेटा मैं वही हूँ जो आपके साथ डेली खेलती हूँ। सुपर क्यूट। देखो लाइट ऑन कर देना। मेरे एडिट कर रहे थे। उठाते जाओ देख रहे हो पहचान में आ रही है मासी थोड़ी थोड़ी आगे से किया तो है कौन उसने छोटे छोटे मतलब यहाँ तक किया उसने। मम्मा ने जल्दी दिखना मम्मा तो कपड़े दिल से दिया ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਭੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਛਪਰੀ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਜੇ ਸੋਚਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਰਿਹਾ। वैसे यार सच्ची मैं तभी कह रही हूँ मुझे थोड़ी मर्दों वाली वाइब आ रही गाइस। कहाँ तुम सबने गाइस मम्मा पापा काका दीदी भैया सबके रिएक्शंस तो देख लिए, पर लेकिन अब मैं थोड़े लोगों को वीडियो कॉल करने वाली हूँ और मैं उनके रिएक्शंस लूँगी जो कि तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ और उनके रिएक्शंस तुम आगे देखो। कल शाम को और मेरा टीका देखो आप मेरा कितना अच्छा लग रहा है। आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई नो मैं यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ पर लेकिन मेरे को स्टोरेज का गाइज बहुत ज़्यादा इशू है। आज भी मैंने अपना पूरा फ़ोन का स्टोरेज खाली करा है और फिर पेन ड्राइव से व्लॉग डाला और अभी एडिट करके फिर बस ख़त्म हो जाएगी एडिटिंग। मैं अभी आज शूट कर रही हूँ ये मंडे को, ये लास्ट वाला भी क्योंकि मैं करना भूल गई थी। स्टोरेज का इशू भी मैं बहुत जल्दी बस एक दो महीना और वेट कर लो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो भी। और क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम लोगों को हेयर कट कैसा लगा, अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी लगा कमेंट करके बता देना। बाय लव यू।